भारत के स्टार रनर अविनाश सबले ने भारत के लिए 2 पदक जीते। उन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेस में स्वर्ण पदक और 5000 मीटर में रजत पदक जीता। वहीं पारुल चौधरी भी भारत के लिए 2 पदक जीतने में सफल रही। उन्होंने 5000 मीटर में स्वर्ण पदक और 3000 मीटर स्टीपल चेस में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग की 4x400 मीटर रिले टीम भी स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही। महिला वर्ग की मध्यम दूरी धावक हरमिलन बेंस ने 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धाओं में 2 रजत पदक जीते। लंबी दूरी के धावक कार्तिक कुमार ने 10000 मीटर में रजत पदक जीता। वहीं अजय कुमार सरोज ने 1500 मीटर में रजत पदक जीता। महिला वर्ग की फर्राटा धावक ज्योति याराजी 100 मीटर हर्डल रेस में रजत पदक जीता। महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम ने रजत पदक जीता। वहीं 4x400 मीटर मिक्स रिले टीम भी रजत पदक जीतने में सफल रही। भारत के मध्यम दूरी के धावक मोहम्मद अफजल भी रजत पदक जीतने में सफल रहे। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर लंबी दूरी प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत के स्टार रनर जेनसन जॉनसन ने कांस्य पदक जीता। 3000 मीटर स्टीपल चेस में प्रीति लांबा ने कांस्य पदक जीता और पीटी उषा के रिकॉर्ड से बराबरी कर चुकी विद्या रामराज ने 400 मीटर हर्डल रेस में कांस्य पदक जीता और 35 किलोमीटर पैदल चाल मिक्स टीम में राम बाबू और मंजू रानी की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। दोस्तों, बहुत ही गर्व की बात है कि भारतीय धावकों ने एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। तब तक दौड़ते रहें, फिट रहें, खुश रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।